चलो सेशन एंड करें उससे पहले जरा होमवर्क ले ले सारे लोग। चैप्टर नंबर टू, यूनिट वन एंड टू से दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन दे रहा हूं। चैप्टर नंबर थ्री 18 एंड एक 25, 25, ठीक है। चलो ये होमवर्क डन हो गया। दूसरा, आपको चैप्टर टू पूरा अच्छे से रिवाइज करके आना है, क्योंकि आपको भी पता है दो टेस्ट इसके बैक टू बैक लगने हैं, ठीक है। गेट रेडी फॉर द टेस्ट, FAS का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम का टेस्ट। और उसके लिए अच्छे से बूस्टर, टर्मिनेटर सब भाई रिवाइज कर लेना, मेंटोर के सारे क्वेश्चन देख लेना, टेस्ट बहुत धांसू होने वाला है। नाउ क्वेश्चन नहीं है तो एंड करें सेशन। चलो फटाफट बोलो सारे लोग, ये कैसा क्वेश्चन है? सुना है? हाँ सुना है मैंने। अरे छोड़ो, बहुत आए ऐसे, डोंट वरी। हाँ सुना है, बोलते रहते आए दिन, बोलते रहते। अब जो पूछ दिया है तो सुन लो, सुनो भाई। ये कमाल की बात है। हाँ तुम लोग ज्यादा सोशल मीडिया देखते हो ना, मैं थोड़ा कम देखता हूँ, लेकिन मेरे पास आ गई थी ये। अरे सुनो क्या है, डोंट वरी। शुरुआत हुई जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, ICI से निकला और फिर वहां के काम से फ्री होके प्राइवेट में पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहला अटैक जो मेरे ऊपर हुआ कि सर जो पढ़ाते हैं ना, ICI के मॉड्यूल के हिसाब से नहीं पढ़ाते। इस बात का जवाब तो ICI देगा, मैं नहीं दूंगा। सीधी सी बात है, जो बंदा ICI के मॉड्यूल बनाने वाली टीम में है, वो बनाता है आपके मूल्य मॉड्यूल, पढ़ाता है उसी बनाए हुए मॉड्यूल को आप सारे पढ़ाते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूँ, वैसे आप बड़े हो, आपका बड़ा है सम्मान, ठीक है, तो कोई बात नहीं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो, हमारे बनाए हुए मॉड्यूल को ही आप पढ़ा पढ़ा के और बच्चों को करोड़ों कमा रहे हो, और आप हम पे लानत उठा रहे हो। नंबर वन, थोड़े दिन के बाद वो मामला वैसे ही शांत हो गया, क्योंकि सबको, बच्चों को ही पता चल गया कि ये बंदा मॉड्यूल लिखता है यार, ये आउट ऑफ मॉड्यूल कैसे पढ़ाएगा। वो क्यों कहते थे? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा एग्जाम्पल, केसेस, सिनेरियो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, MCQ अपने तरीके से बनाता था, और नई नई चीजें बना के जब मैं पढ़ाता था तो लोगों को लगता था यार ये तो काफी मेहनत कर रहा है और काफी मेहनत करवाएगा हमसे। तो ऐसा करो, बड़ा हमारे पास बड़ा प्रचार का तंत्र है, एडवर्टीजमेंट का सिस्टम है, मार्केटिंग का सिस्टम है, प्रचार कर देते हैं। और बहुत दूर दूर से बच्चों ने सवाल पूछा, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव बुक करने से पहले पूछते थे कि सर एच पर ICI मैट पढ़ते, सर की बुक एच पर ICI मैट है ना। 1 साल लगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उससे हटे, वो सेटल हो गया। हैंस प्रूव्ड, अभी इंडिया की नंबर वन बेस्ट सेलिंग बुक हमारी है, ICI मैट के हिसाब से जो बुक हमारी पांचों आती है, टर्मिनेटर, बूस्टर, मेंटोर, स्टाबलिस्ट। हाँ भाई सब कुछ ICI मैट के हिसाब से पढ़ाते हैं सर। सेकंड, उसके बाद नवंबर 20 का, दिसंबर 20 का जो पेपर हुआ उससे आए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 6 से 3 महीने ट्रोलिंग चली, उसको झेला, चलता रहता मेरे साथ, डोंट वरी। वो जब जब आप ऊंचाई पे जाओगे, जब जब आप तरक्की करोगे, जब आप प्रोफेशन में आगे जाओगे, वो तो अच्छा हुआ कि मैं जल्दी नहीं आया, तो होता क्या आप पे अटैक बढ़ जाते, आप पे अटैक बढ़ते, लेकिन कोई बात नहीं, हाँ नहीं हो ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आ गया 2 महीने के बाद। जैसे ही इंस्टीट्यूट का सजेस्टेड आया, बोलती बंद, सब जगह शांति, घोर सन्नाटा, 3 महीने की ट्रोलिंग बेकार हो गई। इंस्टीट्यूट ने तो आंसर वो दिया जो मैंने दिया था, एक सारी इंडस्ट्री एक तरफ, मेरा आंसर 6A का एक तरफ, शांति, वो ट्रोलिंग भी बंद हो गई, ठीक है। ओ एकदम प्लान्ड होती है, उसके लिए भाई सेक्रेटारियट काम करते हैं पीछे से, आपको क्या पता मैं जो झेलता हूं। उसके बाद अभी एक चीज बताओ, जब पहले लाइव क्लासेस करता था, जब शुरुआत करी थी, 20-15 बच्चे आते थे ऐसे लाइव में, बता रहा हूं ऑनलाइन, आज 142 तो लाइव आप ही देख रहे हो, रजिस्टर्ड कितने होंगे वो तो मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, देख के बता दूंगा। देख लो भाई स्क्रीन के ऊपर 142 लाइव है ना, अपन अभी रजिस्टर्ड क्लास में है, अपन यूट्यूब पे नहीं है। तो क्या होता है, ये सब चलता रहता है, लेकिन अपन क्या है, अपने को आगे प्रोग्रेस करना है। अपन लोगों के कहे में फंस जाएंगे तो फिर अटक जाएंगे, उनको बोलो ऑल द बेस्ट, आप बोलते रहिए, जितना अटैक करोगे मैं उतना ऊपर जाऊंगा, सीधी सी बात है, खूब अटैक करो मेरे ऊपर। और तीसरी बात, अब एक नया शगुफा चला है, CA नहीं है, अब लास्ट लास्ट हथियार है ये कि CA नहीं है। हाँ नहीं हो तो क्या, बताओ अपनी क्वालिफिकेशन, 17 साल से इंडस्ट्री में काम किया, देख लेना मेरा प्रोफाइल, गूगल कर लेना, उन लोग, तुम लोगों को नहीं, तुम लोगों को तो सब पता है, ऐसे लोग जो बोलते हैं ये बात, जो अभी नया नया बोला है भाई ने, ठीक है जवाब दे देता हूँ। कभी कभी बोलना पड़ता है, क्या करें, नहीं बोलता हूँ जनरली, मैं नहीं बोलता हूँ, मैं क्लास में क्या बोलता हूँ, बुक्स और टीचर कभी खराब नहीं होते, और आज भी बोलूंगा, लेकिन अब जब सवाल उठा दिया है तो सुन लो, हाँ नहीं हूँ, 17 साल से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, कंसल्टेंट हूँ, अच्छी अच्छी कंपनियों के लिए काम कर रहा हूँ, कितने MNCs के लिए काम किए, जो प्रैक्टिस करता हूँ वही पढ़ाता हूँ। नंबर वन, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ कॉमर्स में, कम डिग्री होती है क्या पोस्ट ग्रेजुएशन, अच्छे से कर लो तो,
रट्टे मार के 5 क्वेश्चन पढ़ के जाओगे तो फिर तो वही हालत है, पीजी बन के लोग प्रोफेसर बनते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भी कहता है। उसके बाद आईआईएम जाके पढ़ के आया, ठीक है, एमबीएस के बराबर की डिग्री है मेरे पास, ठीक है, ये कम है क्या मेरे पास? बहुत है। मेरे को जो चाहिए मेरे पास डिग्री है, जिसे इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है, ठीक है, ये कहना, हाँ नहीं हूं, दरिया हूं मीठे पानी का, बह रहा हूं, बिल्कुल जिसको पीना है पी लो, नहीं तो कोई बात नहीं, मीठे पानी का दरिया हूं, गुनगुना पानी भी है, गर्म पानी भी है और ठंडा पानी भी है, जिसको जैसा चाहिए वैसा मिलेगा, रेगुलर हो, बूस्टर हो, फास्ट ट्रैक हो, जो जैसा जो पढ़ना चाहता है उसके हिसाब से मेरे पास हर चीज मौजूद है और उसी वेलोसिटी में मौजूद है, क्लासिक है, चाहिए तो ले लो। और सीए नहीं हो और मैं सीए के बच्चों को पढ़ाता हूं, ये सवाल आप आईसीआई से पूछो, मेरे से मत पूछो। उसने जो स्टडी मैट जिसको आज सारे लोग पढ़ा रहे हैं आईएसएसएम का, वो बनाते हुए मुझे ही क्यों बुलाया? क्यों बुलाया भाई? क्योंकि इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं सोचता है, ये मार्केट में जो पीयर्स फैक्टर है, जो बाहर बैठ के दुष्प्रचार करते हैं वो सोचते हैं सिर्फ, और बच्चों को गलत चीज बताते हैं जिससे बच्चे बच्चा डाइवर्सिफाइड ना हो जाए, दूसरी इंडस्ट्री दूसरी दुनिया ना देख ले। आपको याद होगा कुछ क्लासेस में टीचर बोलते हैं, ये जो मैंने किताब दी है ना यही पढ़ी हो, कोई और किताब मत देख लियो। पता है क्यों? हमारे टीचर नहीं बोलते थे ऐसा, क्योंकि हमारी किताब करने के बाद अगर ये 10 क्वेश्चन दूसरी बड़ी किताब से कहीं से उठा के नया ले आया और मेरे से पूछ दिया कुछ उल्टा पुल्टा, तो पहले ही सेव कर लेते एक मटेरियल जो मैंने दिया है स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दिस, और जैसे ही तुम फालतू दो चार सवाल इधर से उठा के ले जाओगे डांट के बिठा देंगे। होता है हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता, तुम तो पता नहीं कितने क्वेश्चन लेके आते हो, स्क्वेरी सेशन में ओपन सेशन होता है और ऐसे सवाल भी है जिसका जवाब देना पड़ता है, किसी ने कुछ कह दिया बच्चा वो भी बताता है। बोलो भाई गौरव, बोलो सही बोल रहा हूं, श्यामल बोलो सही बोल रहा हूं, ठीक है। तो कैसा है ये सब चलता रहेगा, ये जिंदगी का पार्ट है। जब आप प्रोफेशन में आप जब अच्छा कुछ करने लगते हो, जब आपकी फॉलोइंग बढ़ती है, आप पे अटैक भी बढ़ते हैं, आपको हम्बली एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। इंस्टीट्यूट ने जब मुझे मॉड्यूल लिखने के लिए बुलाया क्या सोचा होगा पता है? इंस्टीट्यूट को अपने सीए में आईएम का बंदा भी देखना है, उसके अंदर उसको सीएफए भी देखना है, उसके अंदर एमबीए फाइनेंस भी देखना है, उसके अंदर उसको लॉयर भी देखना है, सीए सीएस सीएमए सबकी क्वालिटी उसके अंदर देखनी है उसको। उसको एक ऑलराउंडर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना है, उसको एक वन साइडेड सिर्फ डेटा के साथ खेलने वाला सीए नहीं चाहिए आज इंडस्ट्री को। अगर मेरी बातों से सहमत हो तो बोलो यस सारे लोग। आज उसको एक ऐसा बंदा चाहिए जो जाके सीईओ भी बने, सीएफओ भी बने, वो कंपनी सेक्रेटरी की तरह एडवाइस भी करे अपने जाकर के बोर्ड को, उसको ऐसा बंदा चाहिए। नहीं तो लॉ में तो लॉयर ऊपर है, तुम क्या कर रहे हो? सीएस बोलेंगे हम सबसे आगे हैं, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। इसी तरह से टैक्स की प्रैक्टिस में लॉयर्स बहुत आगे हैं, आपको शायद कितना पता है आप पता कर लेना। फाइनेंस के फील्ड में सीएफओ बनने के रेस में एमबीए फाइनेंस सबसे आगे हैं, आईएम से और बाकी जगह से आके वो ज्यादा सीएफओ बन जाते हैं, लूट लेते हैं सीटें, हम लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं और हम भी काफी हैं। इसी तरह से आप देखोगे सीएफए काफी आगे आ रहे हैं, अगर सीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले कहेंगे कॉस्टिंग तो हमारा फील्ड है जी, सीए क्या कर रहा है? तो ऐसे थोड़ी होता है, हम भी एससीएमपी पढ़ते हैं यार। लेकिन हमारी लाइफ में तीन पेपर ऐसे हैं जो एमबीए फील्ड से ही आए हैं, प्राइमरीली वो एमबीए के पेपर थे, जैसे एसएफएम। आज भी एसएफएम उस लेवल का नहीं है जैसा कि फिनांस, जैसा कि एसएफएम आईएम्स में पढ़ाया जाता है, बट एसएफएम एमबीए से आया हुआ पेपर है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद एससीएमपी फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। आपके टीचर्स को सुनना, सीए हो वो लोग सीए ही हैं और अपने पहले दूसरे लेक्चर में यूट्यूब पे वीडियो डाल के बोलते हैं कि एमबीए का पेपर है आपको इस तरह से पढ़ना है, और वही बंदा आपको पढ़ा रहा है तो क्या दिक्कत है? ईआईएस एसएम प्योरली इंडस्ट्री का पेपर है, एमबीएस का पेपर है, ठीक है, वहां से आया हुआ पेपर है। यहां पे ऐसा नहीं है सीए को स्ट्रेटजी पता नहीं होती, सीए को खूब पता होती है यार, दुनिया को स्ट्रेटजी सिखाता है। सीए को नीचा दिखाना, ये कौन लोग हैं ऐसे जो ये सब काम करते हैं? सीए को सीए बनने में बहुत सारी चीजों का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, सीए एक ऑलराउंडर होता है, डाइवर्सिफाइड है उसका एरिया, वो सब कुछ कर सकता है, वो बिजनेस से रिलेटेड सब कुछ समझता है वो। लेकिन फिर भी अगर मैं कंपेयर करूं तो यहां हम 50 नंबर का स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ते और हम आईएम में 300 नंबर का पढ़ के आए। एक बात कह रहा हूं थ्योरेटिकल, चलो बुक कवर करने की बात कर लेते, 6 गुना ज्यादा हमें, और हमारी रिपोर्ट्स, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे जो ग्राउंड रिपोर्ट्स होते हैं, हमारे जो फील्ड रिसर्च कराया जाता है, वो सब स्ट्रेटेजी के फील्ड में कराया जाता है। इसलिए मुझे गर्व के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं वो पेपर पढ़ाता हूँ सीए को, सीए के बच्चों को, और हजारों बच्चे इसके प्रूफ है, हजारों बच्चे हैं ना आज की डेट में जो एग्जिमिशन लेके आए, कई रैंक होल्डर आए हमारी क्लास से, और हजारों बच्चों को, 60,000 के आसपास बच्चों को मैंने पढ़ाया,
तो उन सब के विजडम पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपने, वो सब गलत थे हमें चूज करके। और आज भी जो इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हो, जो ट्रस्ट कर रहे, वो गलत है। तो बस मेरा यही जवाब है, नाम नहीं लूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड ऑलवेज आई विल से, टीचर्स एंड बुक्स कभी खराब नहीं होती, मेरी तो ये फिलॉसफी है। और मैं ऐसा कहते हुए डिफेंसिव नहीं हूँ, ऑफेंसिवली भी, ऑफेंस मुझे भी आता है, मुझे भी तकलीफ होती है जब लोग ये फालतू बातें करते, पढ़े लिखे लोग जब ऐसी बातें करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ मार्केटिंग, ठीक है, और ये फैलाते। जो काम, जो बात इंस्टीट्यूट नहीं मानता, जो बात इंस्टीट्यूट नहीं चाहता, जो आईसीआई जो नहीं कर रहा है, वो ये मार्केट के पीयर्स कर रहे हैं। प्लीज स्टॉप और डूइंग ऑल दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि EISSM पे आपका एकाधिकार है, मोनोपोली है। ऐसा नहीं है कि टैक्स लॉ कॉस्ट FM पे आपका है, आपका ही सिर्फ उस पे मोनोपोली नहीं है। अरे भाई, वही बच्चा जब ग्रेजुएशन करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, MBA करता है, हर जगह तो पढ़ता है वो, CFA करता है, CMA करता है, CS करता है, अदर फील्ड्स में जाता है, कॉमर्स से रिलेटेड सारी स्टडी में ये कॉमर्स पढ़ी जाती है भाई। ये क्या बचकानी बातें हैं फालतू की। और अगर चलो एक बार को खुश कर देंगे उनको भी, CA की डिग्री भी ला देंगे, चलो ठीक है कर लेंगे, CA भी कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो वो भी कर लेंगे, ठीक है, दिल गलाने, क्योंकि डिग्री तो बड़ी है, ले लेनी चाहिए कायदे से। मेरे एजेंडे में नहीं है, क्योंकि मेरे को शायद प्रैक्टिस नहीं करना, और मुझे लगता है मेरे पास जितनी डिग्रियां वो मोर देन सफिशियंट है, मैंने कौन सा वहां पे इलेक्शन लड़ने है जाके, ठीक है। तो छोड़ो इन बातों को, होमवर्क कर लेना भैया। और दूसरी बात, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, डोंट वरी, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, बात याद रखना। और एक बात और, दरिया हो बह रहा हो, जिसे मीठा पानी चाहिए वो आएगा, ठीक है। ये सब डिबेट में कुछ नहीं रखा। सो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी जीते रहो, ऑल द बेस्ट। आज की क्लास अच्छी थी, तो हमारा होमवर्क जरूर कर लेना, और जो मैंने पिछले क्लास में जो अनाउंसमेंट करी थी उसको भी फॉलो कर लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना, और अपने एग्जाम्स के लिए रेडी हो जाना। मिलते हैं कल इसी टाइम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।